दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें घटने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनके उन स्कूलों में छात्रों को लेकर लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाए जिनके बारे में देश और दुनिया भर में वो दावे करते फिरते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म नहीं मिलने पर और देरी होने पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा ना देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्र हित से ऊपर रखा है और अब हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं और घड़ियाली आंसू बहा रही है। केजरीवाल को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। लापरवाह केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह। घड़ियाली आंसू बहा रहे केजरीवाल, मचा बवाल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट से किसी तरह की राहत मिलना तो दूर, उल्टा उन्हें फटकार लग रही है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा ना देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। दिल्ली सरकार सिर्फ सत्ता के इस्तेमाल में ही रुचि रखती है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में सोशल ज्यूरिस्ट नाम के संगठन की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की आपसी खींचतान की वजह से एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख से ज्यादा छात्रों को किताबें नहीं मिल पाई हैं और वो टिन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं, दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनके पास किताबें नहीं हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है और आपकी सत्ता का अहंकार चरम पर है। याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस मनमोहन इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने दिल्ली सरकार के वकील को ये तक कह दिया कि आप हमारी शक्ति को कम आंकने की गलती ना करें। पीठ ने कहा, हिरासत में रहकर सरकार चलाना सीएम अरविंद केजरीवाल की अपनी पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को किताबों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम जाना नहीं चाहते। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत का काम किताबें और ड्रेस बांटने का नहीं है। हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति अपने काम में नाकाम हो रहा है। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार का रुख सही नहीं है। दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख कार्य ठप पड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सौरभ ने छात्रों की हालत पर आंखें मूंद ली हैं और वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति में गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त पदाधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी हिरासत में है। इस पर कोर्ट ने कहा कि या तो आपको निर्देश देने वाले के पास दिल नहीं है या आंखें नहीं है और उन्होंने कुछ भी ना देखने का फैसला कर लिया है। कोर्ट ने मामले में दिल्ली सरकार को 2 दिनों में जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हालांकि मामले में दिल्ली सरकार के वकील सदान फरासत ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि एमसीडी के पास स्थायी समिति ना होने की वजह है कि एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमैन नियुक्त किए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। सदान फरासत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी बहुत अधिक शक्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसको कम ना आंका जाए, वरना कोर्ट कठोर फैसले लेने में झिझकेगी नहीं। बहरहाल मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और सोमवार को हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा।